सो गाइस, तो आप देख सकते हो हमारी इमेज गैलरी बन चुकी है। जैसे आप फॉरवर्ड करते हो तो यहाँ पे ब्लू आ रहा है, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू। और जैसे ही आप क्लिक करोगे किसी भी इमेज को तो वो इमेज ओपन हो जाएगी बिल्कुल फुल साइज में। सो आई होप गाइस आपको यारी वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए ताकि हम और आगे वेब डेवलपमेंट के ऊपर अच्छे से वीडियो बना सकें। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। गाइस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से हम सीसीएस में इमेज गैलरी बना सकते हैं। सो गाइस, सीसीएस सीरीज के पार्ट नंबर 27 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो जैसा कि आप देख सकते हो, अगर हम किसी भी इमेज पर होवर लाते हैं तो इस पर एक बॉर्डर आ रहा है। जैसे ही आप किसी भी इमेज पर क्लिक करोगे तो वो इमेज खुल जाएगी। तो किस तरह से गाइस आप इमेज गैलरी बना सकते हो वही हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। सो गाइस, वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप इस तरह की और वीडियो चाहते हैं चैनल पे और आप भी चाहते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना फ्री है। सब्सक्राइब अगर आप करते हो, इस तरह की और नॉलेज चाहिए, तो उसके साथ साथ सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पे क्लिक कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक करने के बाद। इससे क्या होगा, जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा इस प्रोग्रामिंग से रिलेटेड तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप कुछ नया नया सीखते रहेंगे। और हम सारी प्रॉपर्टीज़ कवर करते हैं और लाइव करते हैं। सो लेट्स गेट इनटू इट। सो गाइस, जब हम सीसीएस की इमेज गैलरी बनाना सीख लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक इमेज है और उसके होवर पे बॉर्डर आ रहा है, तो हमें सीसीएस ऐसी कुछ लगानी पड़ेगी कि नॉर्मल इमेज है और उसके होवर करे तो बॉर्डर आए। और देखो डिव के अंदर यहाँ पे कंटेंट भी लिखा है, तो कुछ ऐसा भी लेना पड़ेगा डिव के अंदर एक और, जिसमें टेक्स्ट ले लिख सकें। तो इस टाइप का हमें थोड़ा सा आइडिया लग रहा है इसे देख के, और इस पर क्लिक करके किसी न्यू पेज में वो ओपन हो रहा है। तो एंकर टैग से हम लिंकिंग करते हैं, आपको पता है एक पेज से दूसरे पेज पर जाना, तो दूसरे पेज पर लिखा है टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, आपको पता ही है एंकर टैग की प्रॉपर्टी। और HREF में हम एड्रेस दे देंगे इमेज का पाथ। तो क्या होगा, जैसे आप एंकर टैग लिखते हो और उसके बीच में टेक्स्ट लिखते हो फिर एंकर टैग क्लोज, ऐसे ही टेक्स्ट की जगह हम इमेज लगा देंगे। तो इमेज पे क्लिक करके उस पर HREF पे उसी इमेज का एड्रेस दे देंगे, तो वो जैसे हम क्लिक करेंगे तो वो इमेज ओपन हो जाएगी। तो ये हम कैसे करते हैं गाइस, वो हम अब जान लेते हैं। तो इमेज गैलरी का मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाने से पहले थोड़ा सा आपको कोड दिखा रहा हूँ, ताकि एकदम से ऐसा ना हो कि माइंड कैच नहीं कर पाया। मैं एकदम से लिख दूंगा, पहले आइडिया दिखा दूँ आपको चल क्या रहा है। तो देखो आपके सामने गाइस मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, अभी लाइव भी बनाऊँगा, ठीक है? तो ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे डिव की क्लास ले ली गैलरी, और उसके अंदर एंकर टैग ले रखा है एक, ठीक है? और एंकर के अंदर एंकर क्लोज, एंकर के अंदर एक इमेज ली है, साथ ही साथ एक और डिव बनाया है मेन डिव के अंदर, जिसकी क्लास दे दी DESC में डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर थोड़ा सा इमेज के बारे में लिखा है, सेम ऐसे ही 4 इमेज ली है यहाँ पर, तो 3 डिव और सेम ऐसे बनाए हैं, और एंकर टैग लिया है और एंकर टैग क्लोज किया है, बीच में इमेज दी है और नीचे कंटेंट लिखा। तो आपने देखा था जैसे हम एंकर पे क्लिक करते थे HREF में, उसी इमेज का नाम दे रखा है उसका पाथ, तो जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो वो खुल जाएगी। और देखो वहाँ इमेज शो हो रही थी हमारे सामने, इमेज पे क्लिक करके ही हो रहा था, तो इमेज शो क्यों हो रही है, क्योंकि हमने एंकर के बीच में इमेज डाल रखी है, इमेज का पाथ दे रखा है। फिर क्या है, नॉर्मल इन्होंने चारों में सेम ऐसे किया, टारगेट दे रखा है अंडरस्कोर ब्लैंक, तो न्यू पेज में ओपन हो रहा है। तो डिव डॉट गैलरी, अब देखो डिव था, डिव ये रहा डिव, क्लास इक्वल टू गैलरी, क्लास को डॉट से एक्सेस करते हैं और डिव सबसे पहले है ही, तो डिव के अंदर डॉट गैलरी क्लास जो है उसमें मार्जिन है तो 5 पिक्सल, तो साइड से ब्राउजर की स्क्रीन से इतना गैप आएगा। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड है CCC, तो जो बैर आपको बॉर्डर दिख रहा है वो, और फ्लॉट लेफ्ट, आपको पता ही फ्लॉट लेफ्ट कर दोगे इमेज बाई डिफॉल्ट एक के नीचे एक आएंगी, फिर वो ऐसे आएंगी एक लाइन में, तो इसके लिए। और विथ यदि 180 पिक्सल इमेज की डिव के अंदर जो गैलरी है उसकी विथ 180 पिक्सल। फिर क्या, जैसे कोई होवर करे डिव डॉट गैलरी वाले पे, जैसे कोई होवर करे तो बॉर्डर लग जाए, तो जैसे होवर करोगे तो बॉर्डर लग रहा है, तो ये भी हम कोई सा भी कलर लगा सकते हैं। डिव डॉट गैलरी इसके अंदर जो इमेज है, इमेज विथ दे दी 100%, पहले यहाँ विथ डिफाइन कर दी कि इससे बाहर ना जाए डिव की जो गैलरी वाली, तो 180 पिक्सल इसकी दे दी, यहाँ विथ दे दी यहाँ पे कहीं 100%, तो पूरी विथ और उसके अंदर, और हाइट हाइट ऑटो, अगर आप हाइट पिक्सल में दोगे तो क्या होगा, अगर कंटेंट इससे बाहर गया तो वो ओवरफ्लो करेगा, वो बाहर निकल जाएगा, तो ऑटो क्या है अपने आप एडजस्ट कर लेगा हाइट डायनामिकली। डिव डॉट DESC, आपको पता है हमने DESC करके यहाँ क्लास दी थी, तो डिस्क्रिप्शन में क्या पैडिंग दी थी 15 पिक्सल, तो जो आपको ये टेक्स्ट दिख रहा है ये इधर से मिला वो नहीं आ रहा, इधर से मिला वो नहीं आ रहा, ऊपर नीचे से हर डायरेक्शन से गैप लेकर आ रहा है वो इसी वजह से, और टेक्स्ट लाइन सेंटर तभी वो सेंटर में दिख रहा है। तो कहीं जब हम इस प्रैक्टिकल को लाइव बना लेते हैं अपने नोटपैड में आके, तो सबसे पहले मैंने एक स्ट्रक्चर नॉर्मल लिख रखा, अभी लिख सकते हो HTML बॉडी स्टाइल हेड, सिंपल सी चीज़ है। तो अगर हम कंप्यूटर में आते हैं, और अगर आप HTML सीख गए हो तो आप तभी इस वीडियो को देख रहे हो, तो इतना तो आप जानते ही होगे बेसिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम CSS में आ गए, और
यहाँ पे पार्ट 27 और यहाँ पे इसका नाम है इमेज गैलरी डॉट एच टी एम एल। सेव करते हैं और सबसे पहले हम करते हैं एक डिव लेते हैं। डिव लिया, डिव की क्लास दे दी हमने, सपोज़ करो गैलरी कोई से भी ले सकते हो। तो और डिव कर दिया हमने क्लोज। अब देखो एंकर लेना हमें, क्योंकि एंकर के एंकर पे क्लिक करके नहीं जा रहा था। एंकर लिया मैंने और ए एच आर ईफ दिया मैंने हैज़, ठीक है। और साथ ही साथ हमने एक और एंकर को यहाँ पे क्लोज कर दिया। यहाँ पे हम लेंगे एंकर के अंदर एक इमेज, क्योंकि क्लिक करने से पहले इमेज दिख रही है ना, तो एंकर के अंदर हम लेंगे आई एम जी एस आर सी इक्वल टू लिखेंगे हम और डबल कोट्स लगाएंगे। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि गाइस इमेज कहाँ पे पड़ी है। तो हमने क्या किया है, जिस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ, जिस फोल्डर में काम कर रहा हूँ कुल मिला के, तो आप भी अगर किसी फोल्डर में काम कर रहे हैं तो उसके अंदर मैंने एक गैलरी नाम का फोल्डर बनाया है, जिसके अंदर मेरी ये तीन इमेजेस गाइस रखी हुई हैं, माई वन माई टू माई थ्री नाम से। तो मैं यही चीज़ करूँगा, आपको भी ऐसे ही करना है कि आपको गैलरी है जो भी आपका नाम हो, तो गैलरी के अंदर माई वन डॉट जे पी जी लिखा मैंने, ठीक है। साथ ही साथ मैं विथ और हाइट भी डिफाइन कर रहा हूँ। जैसे कि सपोज़ कीजिए मैंने विथ दे दी गाइज 600 पिक्सल और हाइट दे दी गाइज मैंने 400 पिक्सल। तो हमने इतना कर लिया और इमेज टैग यहाँ आ गया। और देखो इसके अंदर हम डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, जैसे कि अगर मैंने यहाँ लिखा डिव क्लास इक्वल टू डी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और यहाँ हमने डिव क्लोज किया, माई फर्स्ट इमेज लिख दिया मैंने, माई फर्स्ट इमेज। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, या एच वन में लिख लो या पैराग्राफ में लिख लो, एच वन उसके नीचे पैराग्राफ लिख लो थोड़ा सा, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ हमने एच वन कर दिया क्लोज। तो अगर हम इतना सेव करते हैं और रन करते हैं, देखते हैं हमारी इमेज आई होगी और उसके नीचे हेडिंग लिखी होगी। अभी इसमें बहुत सी चीज़ें होंगी। सो गाइस अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे इमेज आ रही है और ये तो साइज था, और यहाँ पे माई फर्स्ट इमेज लिखा आ रहा है, ठीक है। तो लॉजिक सिंपल है। अब देखो अब आपको क्या करना है। अब आपको पता है आपने एक डिव तो बना लिया, लेकिन ऐसे एक डिव थोड़ी ना, ऐसे तीन डिव और बनेंगे, क्योंकि चार इमेज थी ना एग्जाम्पल में। तो देखो हमने एक और कॉपी किया और यहाँ कर दिया पेस्ट, यहाँ पेस्ट कर दिया और यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है, चार बन गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें ज़्यादा चेंज नहीं करने। देखो यहाँ है माई फर्स्ट इमेज, यहाँ हम कर देंगे माई सेकेंड इमेज, और यहाँ मैंने आपको दिखाया था माई टू है, तो मैंने यहाँ माई टू लगा दिया। विथ हाइट हम सेम ही रखने वाले हैं। यहाँ हमने लगा दिया माई थ्री, ठीक है। और यहाँ हम लिखेंगे थर्ड इमेज, तो ऊपर वाले हमने सेकेंड लिख दिया था। और फिर हम यहाँ आएंगे और यहाँ हम लिखेंगे माई फोर, ठीक है। तो माई फोर उसमें नहीं है, तो अभी हम लगा लेंगे उसे, या फिर आप चाहे तो तीन इमेज में भी दिखा सकते हो, उसको कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कितने में दिखाना है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, आप चाहे तो ले सकते हो अपने इस पर, तो मैंने आपको मेन आइडिया दे देता। देखो मैंने अभी फ़िलहाल मैं तीन इमेज ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे उस फोल्डर में तीन पड़ी हैं, तो तीन इमेज ले ली मैंने, ठीक है। अब सेव करते हैं, अब आते हैं ब्राउज़र पे और रिफ्रेश करते हैं। सो देख सकते हो एक इमेज ऊपर आ रही है, एक इसके नीचे आ गई, एक इसके नीचे आ गई, और देखो माई सेकेंड और यहाँ थर्ड भी आ गई। सो अभी तक हमने थर्ड इमेज यहाँ पे कर ली है, लेकिन अब क्या है, हम एक और डिव लेते हैं, इसे कॉपी पेस्ट करते हैं, चार इमेज लेते हैं, ठीक है। अगले में इसका रेस्पॉन्सिव आएगा जो हर एक डिवाइस पर चलेगा। तो गैलरी के अंदर अगर मैं कर देता हूँ माई फोर डॉट जे पी जी और विथ और हाइट सेम रहने देता हूँ 600 और 400 पिक्सल, और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे माई फोर्थ इमेज हो जाएगा। तो इतना किया। अभी मैं क्या करता हूँ भाई, विंडो ई करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास एक इमेज पड़ी है, तो मैं इस इमेज को करता हूँ कॉपी। कॉपी किया, लोकल इस ई में जाता हूँ जहाँ पे हमारा सारा वर्क चल रहा है, तो सीएसएस नाम के फोल्डर में और गैलरी में। यहाँ पे मैं पे कर देता हूँ भाई पेस्ट, तो माई फोर डॉट जे पी जी है, देखो जे पी जी एक्सटेंशन आ रही है आपके सामने, तो साइज़ भी बड़ा है इमेज का, 1024x1024, तो इतना आराम से आ जाएगा, कोई भी बेकार नहीं होगी इमेज। तो इस पेज पे आप अपने चार इमेज ले सकते हैं और चारों को आप गाइस डिव में लगा सकते हैं और कंटेंट लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं अब रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो कि 1 2 3, और देखो नीचे की चौथी इमेज आ गई। ओके गाइस, तो अब हम इसके आगे की चीज़ करते हैं। तो इसके नोट्स भी आपको मिलेंगे, जो आपको यहाँ दिख रहा है इमेज गैलरी बनाना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिव को सेलेक्ट करेंगे और उसकी क्लास जो हमने दी थी गैलरी, तो कुछ भी मार्जिन वगैरह लगा सकते हैं कि गैप के लिए, और बाकी ब्राउज़र की स्क्रीन से बॉर्डर दे सकते हैं इमेज पे।
और फ्लॉट लेफ्ट आपको लगाना ही पड़ेगा क्योंकि इमेज एक के नीचे एक आ रही है, वो ऐसे तभी आ पाएंगी। फिर से दे दी 180 पिक्सल ताकि 180 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 18 4 जा 96, 960 पिक्सल आराम से आ पाएगा एक ही रो में। ओके तो पहले हम ये चीज़ करते हैं। तो अभी गाइस हम अपने कोड में आते हैं। सबसे पहले हम डिव के अंदर गैलरी है तो पहले इसे स्टाइल कर लेते हैं। तो अगर हमने डिव लिया और इसका क्या लिख दिया डॉट गैलरी, ठीक है, इसे स्टाइल करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं गाइस जो विथ दे दी हमने 180 पिक्सल, ठीक है। तो अगर हम 180 पिक्सल देते हैं डिव डॉट गैलरी, तो हमने इतना किया अभी। अब देखो ये इमेज ये इतने में नहीं आ रहा होगा ना, तो इमेज ये टैग जो था वो उधर वो चला गया। अब क्या करेंगे गाइस, अब हम करेंगे फ्लॉट लेफ्ट। फ्लॉट लेफ्ट से क्या होगा, एक ही लाइन में आने लगेंगे इमेजेस। तो अगर हम अब आते हैं ब्राउज़र पे और रिफ्रेश करते हैं तो देख सकते हो यहाँ पे ये इमेज का गाइस आपके सामने आ गई। ओके तो एक से एक इमेज छिप रहे। तो अगर हम कर देते हैं मार्जिन रो 5 पिक्सल या 10 जितना भी अच्छा हो। तो अगर हम आते हैं ब्राउज़र पे और रिफ्रेश करते हैं और अगर हम मार्जिन कर देते हैं सपोज करो 10 पिक्सल और रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे हमारे सामने इमेज आ रही है। अब हम क्या करते हैं, हम पैडिंग देते हैं, पैडिंग देते हैं हम 5 पिक्सल। और साथ ही साथ हम बॉर्डर देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अगर हम अब रिफ्रेश करते हैं तो देख सकते हो कि इतने में ये सब चीज़ आ रही है। अब आपको लग रहा होगा कि इमेज इतने में नहीं आ रही है ना, कुछ एडजस्टमेंट की आपको लग रही होगी। विथ तो हमने दे दी 180 पिक्सल, ठीक है। तो इतने में ये सब चीज़ें देखो आ रही हैं और कुछ चीज़ें बाहर जा रही हैं वो आपको दिख ही रहा है। तो ये क्यों हो जाती है, क्योंकि अभी ये इमेज सेट नहीं हुई इसमें। तो हम क्या करेंगे गाइस, अब हम करेंगे डिव के अंदर गैलरी थी इमेज भी है, तो डिव के अंदर गैलरी और इसमें इमेज, इमेज की सपोज कर हमने विथ दे दी 100%, यानी जितनी इसका कंटेनर होगा उसके बेस पे ये ले लेगा। तो वो चीज़ हमने किया, तो हमने विथ यहाँ 180 जगह हम यहाँ करते हैं सपोज करो 400 पिक्सल तो देखो ये नीचे आ गया है ना। अब देखो ये एडजस्ट क्यों नहीं हुआ, समझो इस चीज़ को। अगर हम गाइस यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम कर लेते हैं 200 या 300 कर लो, 300 बाई 300, क्योंकि इसकी विथ ज़्यादा है ना उस कंटेनर से। 300 बाई 300 नीचे आते हैं, यहाँ हम कर लेते हैं 300 बाई 300, साथ ही साथ हम यहाँ पर भी कर लेते हैं 300 बाई 300। कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो देख सकते हो कि इमेज जो है उसके अंदर आ गई। ओके सो गाइस आप देख सकते हो कि इमेज हाँ इसके अंदर आ गई, लेकिन सारी इमेज नहीं आ रही, क्यों आपको पता ही है। अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे 300 की जगह हम कर, अगर हम यहाँ पे जो भी थे इसे 400 ना करें, अगर हम यहाँ पे 300 कर दें, अभी देखते हैं कितने में आता है। अब रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो गाइस एक ही इसमें लाइन में आ गई इमेजेस। ओके तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे आ रही है हमारी फर्स्ट इमेज और यहाँ पे आ रही है सेकंड, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फोर्थ, तो हमारे सामने ये इमेज आ गई। ओके अब हमें क्या करना है कि ये टेक्स्ट को थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ये किस चीज़ पे है, DESC डिस्क्रिप्शन क्लास है ना, तो इस क्लास को कॉपी कर लेते हैं और इस क्लास को कॉपी करते हैं डिव के अंदर डॉट डिस्क्रिप्शन। अब अंदर का गैप है तो पैडिंग यूज़ होगी, पैडिंग दे दी सपोज करो मैंने 15 पिक्सल। तो ब्राउज़र पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देख सकते हो कि ये टेक्स्ट जो है 15 पिक्सल के गैप में आ गया है गाइस। तो अब हम क्या करेंगे गाइस, अब हम करेंगे इसे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ताकि ये सेंटर में आ पाए। टेक्स्ट अलाइन कर दिया हमने सेंटर। तो अगर हम अब आते हैं ब्राउज़र पे और रिफ्रेश करेंगे, तो हमने यहाँ पे किया रिफ्रेश,
तो जैसे तो टेक्स्ट भी सेंटर में आ गया। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये चीज़ करनी है, जैसे हम इमेज पे क्लिक करें, इस पे क्लिक करें तो अभी कुछ नहीं खुल रहा, इस पे क्लिक करके इमेज खुलनी चाहिए यही वाली न्यू पेज में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे AHREF है, अगर हम यहाँ लिखते हैं टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, आपको पता ही है कि प्रॉपर्टी होती है न्यू पेज में खोलने के लिए एंकर टैग की। तो हम ब्राउज़र पर आते हैं और अगर हम करते हैं रिफ्रेश, अगर अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो ये कुछ खुलने को न्यू पेज में खुल तो रहा है, लेकिन देखो कुछ एड्रेस नहीं है यहाँ पे, हैज़ है HREF में, हैज़ है ना कि वो किस पेज पे जाए। तो अगर आप चाहते हो न्यू पेज में ये इमेज खुले तो इस इमेज का नाम दे दो पाथ HREF में, ये दे दिया। अब क्या है, जैसे ही कोई करेगा इस इमेज पे क्लिक तो HREF में लिखा ये पाथ तो इमेज वाली खुल जाएगी ना, और टारगेट दे रहे अंडरस्कोर ब्लैंक तो न्यू टैब में खुल जाएगी गाइस। तो अगर हम अब आते हैं ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करते हैं, सो गाइस आप ध्यान से देखना, अगर मैंने इस पे क्लिक किया तो ये गाइस पूरी इमेज हमारे सामने खुल चुकी है। तो इस तरह से गाइस आप भी इमेज गैलरी बना सकते हो। अब आपको क्या करना है, आई थिंक आपको क्लियर होगा कि आपको क्या करना है। अब आप गाइस सेम चीज़ करोगे और यहाँ से सेम चीज़ करोगे कॉपी पेस्ट, तो हमने यहाँ से किया कॉपी और नीचे आ गए और यहाँ पे हम कर देंगे HREF के साथ पेस्ट और इसे हटा देते हैं, और यहाँ पे हम बस माई टू करना है, आपको पता ही है, और टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक रहना है ही। फिर हम नीचे आएंगे और यहाँ पे भी हम सेम चीज़ करेंगे, और यहाँ पे हम करेंगे गाइज माई थ्री, तो यहाँ पे हम करेंगे माई थ्री, बाकी सेम ही रहना है। फिर नीचे आएंगे और यहाँ पे भी हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, जैसा कि आपको क्लियर हो ही गया आपकी क्या करना है। और यहाँ पे हम कर देंगे गाइस माई फोर, और अगर हम अब सेव करते हैं और अगर हम अब आते हैं ब्राउज़र पे और अगर हम रिफ्रेश करेंगे अपने प्रोग्राम को, तो आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट इमेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर मैं सेकंड पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो कि गाइस वो वाली इमेज खुल चुकी है। अगर मैं थर्ड पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो वाली इमेज फुल होके खुल चुकी है। फोर्थ पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो वो इमेज खुल चुकी है। तो आप देख सकते हो ऊपर पाथ क्या आ रहा है, जिस जगह पे फोल्डर में सीएसएस में ये रखी थी गैलरी के अंदर, तो पूरी इमेज खुल जा रही है, वो हम पूरी इमेज को लोड करा दे रहे हैं। तो इस तरह से गाइस हम इमेज गैलरी बना सकते हैं। अभी हम इसमें और चीज़ करते हैं, जैसे कि हमने गैलरी तो कर लिया कि भाई डिव के गैलरी पर हमने सीएसएस लगा दी, अब जैसे कोई डिव की गैलरी पर होवर करे, है ना, वो चीज़ भी तो देख लेते हैं। जैसे ही कोई डिव की गैलरी में IMG पे होवर करे, या डिव पे भी हो सकता है, तो क्या हो कि बॉर्डर हो जाए 1 पिक्सल या 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू, कोई सा भी ले सकते हो कलर। ब्राउज़र पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो जैसे तो यहाँ पे अभी नहीं आया है ना सॉलिड ब्लू, अभी नहीं आया। तो हम इसको क्या करते हैं, इमेज के होवर पर लगा के हम इसे डिव के होवर पर लगाते हैं। तो अगर हम डिव डॉट गैलरी, तो वो पूरा डिव था ना, तो उस डिव में जो क्लास है गैलरी उसके होवर पे हम लगा रहे हैं बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू। तो अगर हम अब रिफ्रेश करते हैं, जैसे ही हम होवर लाते हैं तो आप देख सकते हो गाइस माउस लाने पे, जैसे माउस लाते हैं इसके ऊपर, तो देखो यहाँ पे जो बॉर्डर है वो 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू हो रहा है। सो गाइस इस बेस पे देखो थोड़ा सा एनिमेशन सा लग रहा है ना, तो इस बेस पे देखो यहाँ से आप, सो गाइस आप देख सकते हो हमारी इमेज गैलरी बन चुकी है। जैसे आप फॉरवर्ड करते हो तो यहाँ पे ब्लू आ रहा है बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू, और जैसे ही आप क्लिक करोगे किसी भी इमेज को तो वो इमेज ओपन हो जाएगी बिल्कुल फुल साइज में। सो आई होप गाइस आपको यारी वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए ताकि हम और आगे वेब डेवलपमेंट के ऊपर अच्छे से वीडियो बना सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।